ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं कि जो एक दलित के मुंह पर पेशाब किया था वो किसने किया था, और अब एक और वीडियो वायरल हो रही है, एक और वीडियो वायरल हो रही है, तो ये कब तक चलेगा ऐसा? देश की 41 जाने फंस गई, किसी को कोई लेना देना ही नहीं। हमारे देश की जनता को ही क्यों जान गंवानी पड़ती है? सिर्फ ये कह देना कि हर सरकार में घटनाएं होती रहती हैं, सिर्फ यही कहकर आप पल्ला क्यों झाड़ लेते हो? गलत लोग जो है, चाहे निर्वाचन प्रक्रिया से चुनावा हो, वो अगर समाज का बुरा कर रहा होगा पे डंडा मारेंगे, डंडे, और अभी और मारेंगे। खाली दुआओं से काम नहीं चलता, खाली दुआओं से। यार भाई साहब, 8 दिन के बाद उनके पास सुविधा मुहैया हो रही है, तो कहाँ सोए हुए थे आप? एसी में सो रही थी। क्यों इंसानियत का खून कर रहे हो, क्यों कत्ल कर रहे हो हमारे देश में? आप साबित करना क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले खट एकदम धर्म पर आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद पर। ये है कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे से भटकाना। अब इनकी आप देखिए, ये कितनी गंदी राजनीति करते हैं, इनका काम क्या है? सिर्फ जब आप उसमें सफल हो जाएंगे तो ये सहानुभूति ले लेंगे, ट्वीट कर देंगे, इससे पहले ये नजर ही नहीं आती। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से जो 17 दिन तक जो 41 मजदूर जो हैं जो उत्तरकाशी में फंसे हुए थे वो आज निकाले जा चुके हैं, बधाइयां दी जा रही हैं देश में सबको कि जो 41 मजदूर हैं वो अब सही सलामत निकाले जा चुके हैं। अब वही बात आती है कि गलती किसकी थी, 17 दिन तक वो फंसे रहे, क्या वहाँ पे सुरक्षा की पूरा सुरक्षा वहाँ पे पूरी नहीं की गई थी? जिस तरीके से ये हुआ है इसमें आप बताइए गलती किसकी थी, जिस तरीके 17 दिन तक वो फंसे रहे। देखिए नूर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और शादाब चौधरी कहते हैं मेरे लिए। रहा सवाल ये कि आप जो मतलब गलती की बात लेके चल रहे हैं, मैं सबसे पहले तो उन परिवार वालों के लिए, उनकी खुशियों के लिए मैं खुद बहुत बहुत मतलब जो है बधाई देता हूँ कि उनके परिवार में दोबारा खुशियाँ वापस आ गई, और हमने भी बड़ी दुआएं मांगी थी मतलब 16-17 दिन बराबर के, वो हमारे भाई जो फंसे हुए हैं 41, और जो है वो उनकी बाकी जो है उनकी जो है जाने जो बच जाएं। हमने पिछले टाइम में अभी प्रधानमंत्री साहब की एक रैली थी मतलब जो है राजस्थान में, उसमें जुझारू के अंदर जो है 5 पुलिस कर्मियों की सुबह जो है ड्यूटी थी, और वो लोग जा रहे थे और वो एक्सीडेंट में वो भी ख़त्म हुए, उनकी हमने भी बहुत निंदा की। अब रहा इनके जो जीवन मौजूद हैं, इनके लिए हमने दुआएं मांगी, और मांगते मांगते ये रहा कि वो जो है आज के वक्त में मगर सरकार की, सरकार का जो टाइम था, सुनिए सुनिए मैं सुनिए सरकार जी, ये हमारे देश की ही जनता क्यों भुगतती है, चाहे वो इसमें मजदूर हो, चाहे इसमें फौजी हो, चाहे इसमें पुलिसकर्मी हो, हमारे देश की जनता को ही क्यों जान गंवानी पड़ती है? आप, मैं देखिए इनकी बात काटूंगा और इनका मैं काउंटर करूंगा कि यहाँ पर जो कमी पाई गई है वो राज्य सरकार की, और जो कंपनी वहाँ पर उसका काम कर रही थी इसको पुख्ता चीज से तुमने उसको देखा क्यों नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसी रेतीली जगह तो नहीं है कि हमारे मजदूरों को नुकसान ना हो? उन्होंने देखा या नहीं देखा? मैडम, सबसे पहले तो आप मजदूर कहते हैं जो ये गलत है, इस देश के उस प्रोजेक्ट ने उन लोगों को निमंत्रण अपॉइंटमेंट दिया 41 लोगों को, और उनको वहां पर ले जाकर उनकी जान के ऊपर आपत ले आए, उनके प्रोजेक्ट ठीक नहीं थे, उनके काम करने के तरीके ठीक नहीं थे, और उन 41 जानों को बचाने के लिए जो देश के मजदूर मजदूरी करने की वो एक्सरसाइज समझ लो, उनके उन शरीर को उन चीजों को बर्दाश्त करने की क्षमता थी, इस वजह से इतनी चीजों को बर्दाश्त कर वो जीवित रह पाए। सरकार तो हमेशा से लेट लतीफ रही है, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, ऐसा नहीं है। देखिए हर सरकार में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रही हैं। अब ये सरकार पे ब्लेम ये है कि भाई इतना जल्दी कोई चीज की अभी मान के चलो, लेकिन आप ये सुनिए, आप ये देखिए ना, वो 17 दिन तक कुछ भी हो सकता था, उन्हें अगर पता ही नहीं चलता तो कुछ भी हो सकता। गलती के लिए बनाया जाता है क्या? आप कह रहे हो कि गलतियाँ होती है, प्रोजेक्ट को इतनी समझदार सरकारें बनाती है, प्रोजेक्ट गलती के लिए बनाई जाती है, तो गलतियाँ थी के लिए नहीं बनने आता।
क्यों नहीं रखा गया? इनका सिंपल सा सवाल, सिर्फ ये कह देना कि हर सरकार में घटनाएं होती रहती हैं, सिर्फ यही कहकर आप पल्ला क्यों झाड़ लेते हो? क्यों झाड़ लेते हो आप? झाड़ रहे हैं, झाड़ने का है भाई? पांच पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं एक्सीडेंट होके, अभी चार जवान शहीद हो गए हमारे देश के, मतलब आप किसी की जान की कीमत ही नहीं समझते? बिल्कुल ठीक है, कीमत है, इंसान की कीमत है, इंसान की कीमत ना होती तो बड़े आराम आराम से, आराम आराम से, सुकून से उनको निकाला गया, कहीं कोई घटना। लेकिन वही सवाल उठता है ना कि आठ दिन तक क्या कर रहे थे? अगर आठ दिन तक कैमरा नहीं पहुंचता तो उनकी जाने भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता। लोग हैं, मैं तो एक सामाजिक, हम देश के नागरिक नहीं उठा सकते, मैं सामाजिक, इस देश के अंदर किसी बात को सुनिए, एक निष्पक्ष निष्पक्ष बात करने के लिए और हमारे अधिकारों की बात करने के लिए, हम आम जनता है, वो हमारे बात विपक्ष करेगा? आज तक 75 साल में प्रोजेक्ट दिलवाऊंगा आपको, देखूंगा, अगर भगवान ना करे कोई ऐसी बात आए कि आप क्या कर सकती हो उसमें, प्रोजेक्ट दिलवाओ तो सही, बताएंगे आपको। बताइए ना, अगर आठ दिन तक वहाँ कैमरा नहीं पहुँचता फिर क्या होता? किसे 17 दिन कैसे सरवाइव करते वो? उसके कैमरे के कोई कैमरा थोड़ी निकाल लिया वहाँ पे? 17 दिन लग गए ना, फिर भी 17 दिन लग गए, कैमरा निकाल लिया नहीं, कैमरा निकाल लिया ये बताइए पहले, ये निकाल लेते, ये निकाल ले, मैं निकाल लिया था। अच्छा बताइए, अगर मैडम एक इन्होंने आप सरकार में ये है कि जिस बात जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे से भटकाना। अब देखिये क्या अभी वहाँ की बात हो रही थी मजदूरों की, इन पर लिया है आप, आपसे जवाब नहीं दिया जाता। गलत लोग जो है, चाहे निर्वाचन प्रक्रिया से चुनाव हो, वो अगर समाज का बुरा कर रहा होगा पे डंडा मारेंगे, डंडे और अभी और मारेंगे। सुनिए सुनिए, आप कह रहे सरकार इंतजाम करेगी, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सरकार कहाँ थी? सुरक्षा का इंतजाम कर रहा था ना? देखो हर चीज क्या एकदम बता दी गई, उन्होंने बताया कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट किया और शुरू किया, इसकी जाँच हो गई, उन्होंने की होगी की नहीं की, ये तो कोई कैमरा तो नहीं पहुंचा था उस पीरियड में। तो आठ दिन तक कहाँ थी वो, तब कहाँ गई सरकार? सरकार ना आई तो फिर किसने करा? एसी में सो रही थी, एसी में सो रही थी मैडम, मैडम ओ नेताजी, ओ नेताजी, ओ नेताजी, कोई से ऑफिस में जाके देख लो, एसी लगावा नहीं लगावा, क्यों नहीं लगा? कोई सी फल, अरे भैया इस देश के आम आदमी के पैसे हैं, किसकी? तुम्हारे पैसे नहीं है, किसके पैसे? आम आदमी के घर में एसी लगे हैं क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्यों ऐसी तरक्की? सुनिए आप सुनिए, ऐसी तरक्की का क्या फायदा कि वो एसी में बैठे और मजदूर परेशान है? बताओ हमारी कमाई का है, तुम्हारी आप कमाई, इनकी कमाई का हो गया मैडम? 4 महीने खेतों में नंगे पैर घूमते हैं तब जाकर फिर भी रेट नहीं मिलते। इनका काम क्या है? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जिन्होंने मजदूरों को निकाला सही सलामत, और उनके घर वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनका काम क्या है? सिर्फ जब आप उसमें सफल हो जाएंगे तो ये सहानुभूति ले लेंगे, ट्वीट कर देंगे, इससे पहले ये नजर ही नहीं आते, या तो ये स्टेडियम में बैठे नजर आएंगे या हवाई जहाज में घूमते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके मंत्रियों को और इनके मुख्यमंत्रियों को टाइम ही नहीं है। तो मैं स्टेडियम में, वही बात है ना, सुनिए आप, जिस तरीके से राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी जाके रैली निकाल रहे हैं, उत्तरकाशी में चुनाव नहीं है तो वहाँ जाके देखा नहीं गया? संवैधानिक पद पर बैठे हैं कि कोई पार्टी होती है रैली, वहाँ का अलग मामले है, कोई पार्टी होती है क्या? आज तक किसी ने उत्तर दिया, कभी सवाल किया? अरे जब भी प्रधानमंत्री बनते या तो कांग्रेस के बनते या बीजेपी के बनते भैया, तो फिर इस देश का प्रधानमंत्री भैया तुम ही कहते हो कि हमारा कांग्रेस का, तो भैया कांग्रेस का बनता होगा या बीजेपी का बनता होगा? फिर देश का तो नहीं कर सकते, तो देश का काम भी नहीं करते? अभी हमारी हमारे देश की 41 जानें फंस गई, किसी को कोई लेना देना ही नहीं था, और भगवान की दुआ से बच गए 8 दिन तक अपनी शारीरिक बनावट के ऊपर, और बात करते हैं ऐसी। आपने मंदिर में जाकर दुआ मांगी? आपने मंदिर में दुआ मांगी? मंदिर में मैंने मांगी दुआ, मैंने दिल से दुआ मांगी कि भाई किसी का घर ना उजड़े, बंद कर दो मंदिर में। ये भारतीय जनता पार्टी वाले खट एकदम धर्म पर आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद पर, इसमें किसी समुदाय का कोई नहीं है, ये इंसानियत का सवाल है। क्या मैं हिंदू को देख कर दुआ मांगूंगा? क्या मैं मुसलमान को देख कर दुआ मांगूंगा? सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो इंसानियत का है। अब इनकी आप देखिए,
ये कितनी गंदी राजनीति करते हैं भैया। अब के जब कभी कोई ऐसी आपदा आ जाती है या कोई देश अटैक कर देता है तो सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म के गिरजाघर मंदिर और मस्जिद में भाग जाएं, वहां बैठ के दवाई का दवा करें, सब बच जाएंगे। पवित्र जगह बताई गई है ना, तो मांगो वहां पे, अच्छी बात है। मैं देखो सुनो, मैं ना बीजेपी की बात कर रहा ना उसी, मैं कर रहा हूं सामाजिक। नहीं क्यों नहीं है, दुआ मांगना, नहीं क्यों नहीं मांगना चाहिए, दुआ मांग लेते बच्चा। अरे तो आप ये देखिए, सवाल यही उठता है कि जैसे मेहताब जी कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है, धर्म की राजनीति कर रही है। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, सब हमारे भाई हैं। मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, सब मेरे भाई। तो दुआ का मतलब ये एक पवित्र जगह पे शारीरिक परिश्रम करके उनको बचा लेते, शारीरिक परिश्रम करके उनको बचाते। अरे भगवान भैया, यहाँ बैठ के क्या आप पूजा आप कर सकते हैं? कैसे पूजा करेंगे, कैसे कर लोगे? या मोदी जी का कैसे पूजा करेंगे? देखो क्या आपके पवित्र जगह पे क्या नाम है, इबादत होती है। हाँ, पवित्र जगह पे इबादत होती है, पहले पवित्र जगह समझिए, उसके बाद इबादत की बात करिए। आपको पवित्र जगह के बारे में पूछना चाहता हूँ, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कि जो एक दलित के मुंह पर पेशाब किया था वो किसने किया था, और अब एक और वीडियो वायरल हो रही है, एक और वीडियो वायरल हो रही है, तो ये कब तक चलेगा ऐसा? क्यों इंसानियत का आप खून कर रहे हो, क्यों कत्ल कर रहे हो हमारे देश में, आप साबित करना क्या चाहते? इसके बाद ये भी सवाल उठता है कि भाजपा सरकार के होते हुए द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं जाने दिया था? जनता ने अपने बटन खोल लिए आस्तीन के, ठीक से मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मनवा लेंगे। चलो मनवा लियो, 5-3 तारीख को मनवा लियो, 3 तारीख को मनवा लेंगे, देखते हैं हम भी 3 तारीख को कौन मनवाएगा। 3 तारीख को तो इस देश के नेताजी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए, इस देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की 29A धारा में इस देश में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा संशोधन हुए, उसके कारण बताते जाइए, देश की जनता सुनेगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी निष्पक्षता आपने तो सुनो आप जहाँ जहाँ बात करते हो तो वहाँ उस देश की धोखा, इस देश की जनता के धोखा करने के लिए इस तरीके से हमारे 41 लोगों की जान को आपत में डालने के, वो ही किसने मेहनत करके, किसने दुआएं ना मांगी हैं, ये तो बताओ। एक भी बात का इन्होंने सही से भी जवाब नहीं दिया। भैया सुनिए मेरी बात, खाली दुआओं से काम नहीं चलता, खाली दुआओं से यार भाई साहब 8 दिन के बाद उनके पास सुविधा मुहैया हो रही है, तो कहाँ सोए हुए थे आप? नहीं तो वो कहाँ से सवाल है ना कि 8 दिन तक कहाँ जाते, वो क्या होता उनका? मेरे ये मेरे दोस्त सोल्जर साहब ने कहा कि अगर वो स्वस्थ या मतलब सोल्जर अपने उससे न स्वस्थ ना होते तो वो तो 8 दिन जीवित रहा। मैं भैया 8 दिन मुझे खाने को ना मिले तो 2 दिन में मर जाऊंगा। आप जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि 8 दिन तक वो जीवित कैसे रहे, कैसे जीवित रहे? वो जीवित रहे क्योंकि वो स्वस्थ थे, स्ट्रांग थे, इस वजह से जीवित रहे। आपको 8 दिन करूं किसी कमरे में बंद? मैं आपसे करूं आप स्वस्थ निकल जाएंगे 8 दिन में? मुझे बेवकूफी की तरह बात करना आता नहीं है और बेवकूफी की तरह प्रमाण देने आते नहीं है। जहाँ पे खुदाई होती है, जहाँ पे स्लाइडिंग होती है, वहाँ की जो मिट्टी गिरती है वो 100% ब्लॉक नहीं होती है, ठीक है? उसके अंदर से कुछ रेशो हवा का, ऑक्सीजन का रिस्के जाता है वो, और फिर उनकी जो शारीरिक जो बनावट थी काम करने की एक्सरसाइज की वजह से, उस वजह से वो बर्दाश्त कर पाए। बेफालतू में सारा ही अगर ऐसी चीजें हैं तो हर चीज को उस नजर से तोल लेते, अच्छा ही अच्छा होता। अच्छा कहाँ कोई चीज, कोई अच्छी चीज हो तो मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये एक चीज। अच्छा ये बताओ, क्या वो ऊपर वाले के उससे रहमो करम से वो लोग सुरक्षित निकले, अच्छा हो गया या मतलब गलत हो गया? मैं शादाब चौधरी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा हुआ ऊपर वाले का करम हुआ, नीचे वालों का तो करम नहीं हुआ, मतलब ना तो भारतीय जनता पार्टी का कर्म हुआ है, कर्म उनका हुआ है जो उन्होंने उनको निकाला है। मैं इनसे पूछ रहा था, अगर भक्ति से या दुआओं से वो बाहर आए तो आप मुझे बताइए, ये नीम की डाली है, आप इसको दुआ से बना देंगे? बनाओ आम का, मेरे मैं बताऊंगा ये डाली नहीं होती है, इसकी जड़ लानी पड़ेगी आपको। क्या लानी पड़ेगी? जड़। जब जड़ हम पेड़ रखेंगे, जब इसकी जड़ जमीन में होगी तब ये आप ऊपर को बढ़ेगा। खाली ये डाली से काम नहीं चलेगा, तुम डाली तोड़ लाए, डाली तो तुम सो गाड़ दो कुछ भी नहीं होगा।
अरे मेरा बड़े भाई ये डाली से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। इसका एक पौधा आता है, उसमें जमीन में गिरता है, उसके बाद जो है उपजाऊ होता है ये। तो वहां देखिए ना, वही बात है ना, दुआओं के साथ साथ कर्म भी करने पड़े, कार्य भी करने पड़े। कर्मों ने उन्हें बचाया, दुआओं ने बचाया, कर्मों ने भी उन्हें बचाया। उनके कर्म अच्छे थे 41 लोगों की, उनके कर्म अच्छे थे, उनके माँ बाप भैया भतीजों की दुआएं थी, उनके उनके परिवार वालों के कर्म अच्छे थे जो सुरक्षित निकल गया। लेकिन मैडम, लेकिन सरकार को या जिस कंपनी का वो प्रोजेक्ट था उन लोगों को, कंपनी के लिए सरकार तो सरकार ने क्यों दिया उनको? अरे भाई भाई सरकार तो उनका माफ क्या क्या मापदंड देखा? आप बताइए ना सरकार को। अरे यार आप उल्टी कर रहे हो ना, नहीं लेता होने की वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे लोगों को। अरे भाई प्रोजेक्ट लेने कोई जाएगा नहीं जाएगा? रोको रोको, देश को बचाना है तो रोको। इनकी बात से सहमत हूँ। पहली बात तो मैं सारे राज्यों की सरकार से, केंद्र सरकार से यही अपील करता हूँ कि आप प्राकृति से खिलवाड़ ना करें, और पहाड़ी एरियों में आप टर्नल बनाओगे उसको, मतलब आप खोखली कर दोगे तो पहाड़ खिसकेगा ही भाई। अब सही सलामत हमारे 41 मजदूर भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने उनको लौटाया है। मैं बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ उनका, जिन्होंने इतनी मेहनत से उनको बाहर निकाला है। मैं सरकार को क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं उनको क्रेडिट दूंगा जिन्हों उनको अपनी जान पर खेलकर बाहर लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन लोगों से हमने बातचीत करी, ये कह रहे हैं कि 8 दिन तक सरकार कहाँ थी, 8 दिन के बाद कैमरा पहुँचा है, उसके बाद उनको बॉटल में खिचड़ी पहुँचाई गई है। अगर कैमरा भी नहीं पहुँच पाता तो 8 दिन तक उनका क्या होता, कोई भी पता नहीं लगा पाता। और 17 दिन के बाद मजदूर निकले हैं, क्या सुरक्षा जाँच नहीं करवाई गई थी, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी नहीं कराया गया था, जो 17 दिन तक 41 मजदूरों को ऐसे फंसना पड़ा। बाकी आप हमें ज़रूर बताइएगा कि कहाँ तक सही है, सरकार की गलती है, कंपनी की गलती है, किसकी गलती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नूरजहां, जनता आवाज़।